ओके बड़े आज हम पढ़ यस सर। रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। हमने नोट्स ग्रुप पे भेज दिए, ठीक है ना। तो अब डी ब्लॉक सबसे पहला क्वेश्चन आया कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। डी यस ब्लॉक की फर्स्ट डेफिनेशन ये है, ठीक है ना। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सब सेल, अगर किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा तो हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते, क्लियर। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इफ डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, तब हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होगा वो भी देखो। थर्ड डेफिनेशन, इफ लास्ट टू सबसेट, इफ लास्ट टू शेल आर पार्शियली फिल्ड, तो ट्रांजिशन वो हो सकता है जिसमें लास्ट दो सेल कैसी हो, पार्शियली फिल्ड हो। अब हम इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझ जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका मतलब क्या है। फर्स्ट सेल की लिमिट एट हो टू होती है, सेकेंड वाले की एट, और थर्ड वाले की कितनी 18, और फोर्थ वाले की होती है 32। इस बात में किसी को डाउट है? और ये हम ना 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, यस ये बात हम 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। तो हम आगे चलते हैं और सबसे पहले जिंक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो हम कभी कभी केवल डायरेक्ट आर्गन लिखकर भी काम चला सकते हैं, क्लियर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 और फिर 3d10, 3d10, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करा है, डी में। इसलिए जिंक हो गया कैसा एलिमेंट, बताओ भैया कैसा एलिमेंट हो गया। जिंक हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। कोई डाउट है इतने में किसी को है? नो अब हम आगे देखते हैं। अब इसका 12th क्लास वाला कॉन्फ़िगरेशन आप में से किसी को आता है क्या? 12th वाला नहीं, 10th वाला, किसी को आता है क्या? इसका 10th वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 2। अब देखो ये वाला फुल है, ये वाला भी फुल है, इसमें भी 18 है, तो सिर्फ कितनी सेल पार्शियली फिल्ड है, एक कितनी, एक, ठीक है ना। एक पार्शियली फिल्ड है, जबकि ट्रांजिशन के लिए कितनी होनी चाहिए, कितनी, टू सेल, टू सेल यस सर। पार्शियली फिल्ड पर कितनी फिल्ड है, पार्शियली एक, तो नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ए ट्रांजिशन ट्रांजिशनल एलिमेंट, एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बट कैसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है? इट इज डी डी ब्लॉक ब्लॉक
डी ब्लॉक एलिमेंट, कोई डाउट? नो सर। अब हम चेक करते हैं एक नए एलिमेंट को और आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, हमने आर्गन डायरेक्ट लिख दिया, क्लियर, और 4s2, क्लियर, और ये हो गया 3d6। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये डी ब्लॉक हो गया, क्लियर। अब हम 10th क्लास में चलते हैं, 2 fulfilled, 8 fulfilled, क्लियर। अब लास्ट वाले में तो 2 है और देखो कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 और 2 12, तो यहां कितने हैं, 14। अब देखो इसमें 18 की बजाय कितने हैं, 14, और इसमें 32 के बजाय कितने हैं, 2, तो दोनों कैसी हो गई, पार्शियली फिल्ड, दोनों कैसी हो गई, पार्शियली फिल्ड, पार्शियल। तो आयरन कैसा एलिमेंट हो गया, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा ये है आयरन मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, आयरन 2 भी दिखाता है और 3 भी दिखाता है, आयरन 2 भी दिखाता है और 3 भी दिखाता है। तो आयरन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बट जिंक ओनली शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट आयरन इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर 1, एंड लास्ट 2 सेल आर नॉट फुली फिल्ड, ओके, या लास्ट 2 वाली पार्शियल फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, क्लियर? यस यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़, तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं, अब हम देखते हैं आगे क्या इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है एनएस में 0 से लेकर 2 तक, ठीक है ना, और दूसरा n-1 और डी में 1 से लेकर 10 तक, ये डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मींस ये हुआ कि अगर ये 4s है तो डी कौन सी होगी, 3d, क्योंकि जब 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर ये 5s है तो ये कौन सी हो जाएगी, 4d, और अगर ये 6s है तो 5d, और अगर ये 7s है 6d, ठीक है ना। तो हमारी बुक में 4 ट्रांजिशन सीरीज या डी ब्लॉक में 4 सीरीज है। अब हम इनमें से एक एक की स्टडी करते चलेंगे, जिसमें से 3d सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें 3d नहीं आती तो बाकी का पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 3d। 3d सीरीज को लर्न करने का तरीका यह है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको ना और क्यों जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको ना, क्यों जलाती हो या क्यों जान जलाती। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, ये 22, ये 23 और ये 24 और ये 25 और ये 26, 27, 28, 29, 30। अगर हम कॉम्पिटिटिव, प्योर कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं तो हमें 2 बातें डेफिनेटली याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो साइड में सारे लोग नोट कर लो, 2 बात इंपॉर्टेंट। अगर 3d सीरीज है तो 3d सीरीज में कभी भी 4 और 3d 9 नहीं आएगा। अगर ये कहीं दिख जाए तो देखते ही समझ जाना कि कॉन्फ़िगरेशन गलत है। दूसरी बात, 4d में 3 नहीं आएगा, 4d में 6 नहीं आएगा और 4d में 9 नहीं आएगा। थर्ड बात, 5d में
5D में 8 नहीं आएगा। तो अगर डी के ऊपर इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो आपको देखते ही समझ जाना है कि क्या है रॉन्ग। क्लियर? तो शुरू करते हैं स्कैंडियम का। सबसे पहले हमने 18 लिख लिया, या इसकी जगह आर्गन भी लिख सकते, आप चाहो तो 1s2 2s2 भी लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s2 में सबसे पहले, और फिर एंटर करेगा 3d में। तो देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और एस में कितने हैं, 2। कितने हैं? 2। अब ध्यान से देखना, आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर ध्यान से देखो कितना है, 21। तो देखो इसको तो एस पे रख दो और इसको डी के ऊपर रख, आ गया कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें 2 और 1 को, या यहीं पे ऐड कर लो, 21 को ऐड किया तो कितना है, तो 3rd ग्रुप का है। ओके। तो अब बताओ आप टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d 2। अब बताओ वैनेडियम का क्या होगा, 4s2 3d 3। अब बताओ क्रोमियम का क्या होगा, 4s2 3d 4। अब यहाँ पर देखो क्या ये पॉसिबल है, नो सर, 3d 3। तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d 5। क्योंकि डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हाफ फिल्ड हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी इनहेंस कर जाता। अब बताओ मैग्नीज का क्या होगा, 4s2 3d 5। क्लियर? अब बताओ आयरन का क्या होगा, 4s2 3d 6। अब बताओ कोबाल्ट का क्या होगा, 7। अब इसका क्या होगा, 4s2 3d 8। कुछ नहीं करना, सिर्फ एटॉमिक नंबर के 2 को तो एस पर और बाकी को 8 पर। अब कॉपर में फिर से चेक करना, 4s2 3d 9, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि 3d सीरीज में क्या नहीं होता, 3d 9 नहीं होता। तो अब इसको फुलफिल्ड करने के लिए हम s के इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कर देंगे, किसमें, d में। जब इसको d में माइग्रेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4s1 3d 10। और अब जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d 10। ठीक है? Yes, कोई डाउट? No, तो झटपट अब यहां से फिर सीख लो, बताओ कोबाल्ट का ग्रुप नंबर कितना, 9। एटॉमिक नंबर को ऐड करते ही हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाएगा। क्लियर? यस सर। अब बताओ, अब हम चलते हैं 4d सीरीज की तरफ। क्लियर? यस सर। तो हम इसको थोड़ा रब करते हैं और पहले देख लो 4d सीरीज में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, दिख रहे हैं क्या है? यस सर, 3, 6, 9। ओके, मैं इसको हटाता हूं और नया कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहीं पे लिख लेना, नोट्स मैंने आपको PDF ग्रुप में सेंड कर दी। तो अब जो 4d सीरीज है उसका पहला एलिमेंट है Y, जिसको हम इट्रियम बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद करते हैं, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा। इसका एटॉमिक नंबर है 39 और इसका है 48, तो ये 47, ये 46, 45, 44, 43,
और ये हो गया क्या 40। पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है, डी ब्लॉक का पहला मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है? 43T। ठीक है ना, टेक्नीशियम। ठीक है, ओके ओके सर। अब ध्यान से देखना, अगर आपको पिछला कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरी एटॉमिक नंबर कितना था? 21। तो अब आपको सिर्फ इतना लिखना है 5s 5s2 और 4d1। आपको 3d अगर नहीं आता तो आपको d ब्लॉक कभी आ ही नहीं सकता, और 3d आता है तो देखो 4d का कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया। अब बताओ 4d के 3d के सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना था? 22। तो 22 लिख दिया। अब बताओ थर्ड वाले का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 23 23। अब जरा साइड में देखो, क्या ये पॉसिबल है क्या? नो सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला इसमें जंप करके चला जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s1 और 4d 44। एस का यहाँ गया तो 4 हो गए। अब फिर से देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s1 और 4d5। ठीक है ना, अब देखना टेक्नीशियम पे आ गए। 5s1 और 4d5 6 होना चाहिए ना, पर देखो 6 क्या है, हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन ये अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वापस इधर चला। क्लियर? अब फिर से क्या होगा? हाँ, हमने पहले ही उस पर 2 भी नहीं रखा 5s। इसको हम रख सकते, हम इसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं इसलिए, okay, समझाने के लिए, नहीं तो हम वैसे ही 25 कर सकते थे। अब ये कितना हो गया फिर से 6। तो साइड में जाकर देखो क्या ये पॉसिबल है क्या? नो सर। तो अब क्या करें? इसका माइग्रेट हो जाएगा इसका इस पे, और ये हो जाएगा 4d7। अब इसका क्या हो जाएगा फिर से 5s1 4d8। और इसका क्या हो जाएगा 5s1 4d9। फिर साइड में जाकर देखो क्या पॉसिबल है? नो सर। तो नहीं पॉसिबल है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाता है और ये अकेला एलिमेंट है डी ब्लॉक का जिसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है। सर हम उसे 5s2 भी तो बना सकते हैं और उसको 4d7 बना सकता है, पर 9 के बाद 10 स्टेबिलिटी गेन कर रहा है क्योंकि फुलफिल्ड है। ओके सर, इसलिए वो 8 के बजाय 10 हो गया। दिस इज ओनली एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक विच डजंट कंटेन एस इलेक्ट्रॉन, तो इस पर स्टार लगा लो। ओके सर। अब कॉमन है 5s1 क्योंकि 4d तो फुलफिल हो ही चुकी है, और 5s2 4d फुलफिल। क्लियर? यस सर। और 4d सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा लोचे वाला है, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन आए हैं आज तक, और अगर कभी आया है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, कौन सा? PD वाला, और कोई नहीं आया। क्लियर? तो हमने 4D सीरीज का भी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, देख लो कॉपी कर लो। मतलब 4D सीरीज में ज्यादातर एलिमेंट एक्सेप्शंस हैं, मोस्ट एलिमेंट आर एक्सेप्शन। बड़े yes, अब हम चलते हैं 5D सीरीज की तरफ, और 5D सीरीज में मोस्टली एक्सेप्शंस नहीं है, तो हमको एक ही बात याद होनी चाहिए, क्या 5D में कौन सा पॉसिबल नहीं है बताओ? 5D 5D 8। ओके,
अब इस ओके सीरीज के एलिमेंट है ला हफ्ता, ला हफ्ता ये तो 57 है, और बताओ हैफेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? हैफेनियम का चलिए, सीधा एटॉमिक नंबर 72 हो जाता है। यस सर, ला हफ्ता बरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता बरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। इसका एटॉमिक नंबर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। क्लियर? यस सर, यहां पर पहला क्वेश्चन ये बनता है, लैंथेनम को देखकर बच्चे को लगता है कि ये लैंथेनाइड है, बट लैंथेनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? डी ब्लॉक, और इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 5d में, तो पहले कौन आएगा? सिक्स एस टू, ठीक है, फाइव डी अब वन, आपको इस सीरीज का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 3d के अगर एटॉमिक नंबर याद है तो आराम से लिख लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या? 21। क्या? ट्वेंटी टू और वन। सेकेंड वाले का एटॉमिक नंबर कितना होगा? ट्वेंटी वन, टू 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 थर्टी टू, कॉमन। थर्ड वाले का? ट्वेंटी थ्री, टू थ्री, और इसमें एक अच्छी बात यह है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, वो सब फर्जी कंसेप्ट है, वो कुछ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर सकता है। देखो इसमें D4 है यस सर, लेकिन हाफ फील्ड नहीं हुआ, इसका 6s2, 5d5, और अगला हो जाएगा 6s2 फाइव डी फाइव सिक्स, डी सिक्स और 6s2 फाइव डी फाइव सेवन, डी सेवन और 6s2 फाइव फाइव डी नाइन, डी एट। अब 8 तो होता ही नहीं भैया, नाइन हो जाएगा, तो ये तो बंद कर देंगे, और ये नाइन, तो स्टार लगा दे क्या? यस सर, तो 5d सीरीज में प्लैटिनियम इज ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है ना? इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। 4s1 और 5d10 और 6s2 5d10। क्लियर? यस सर, ठीक है, कोई डाउट? देखो यस सर, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। यहां पर आगे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, बिकॉज दे नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज दे नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? यस सर, दूसरा, इनके जो लास्ट टू शेल है वो फुली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड नहीं है। ओके, जिंक में केवल लास्ट सेल ही पार्शियल फिल्ड है, जबकि ट्रांजिशन के लिए कितने होने चाहिए? दो पार्शली फील्ड होनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, और फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में हम यहां से लिख लेते हैं, ये स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और फिर कौन? आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और जिंक। जिंक, अब ध्यान से देखना, इसका जो साइज है ना, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन। न्यूक्लियस में और 4s में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा, और अगर 3d इलेक्ट्रॉन में और 4s इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा हुआ तो साइज, इंक्रीज, तो अगर कहीं पे साइज डिक्रीज हो रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा?
बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड 4s क्या होगा? कम है, इंक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, ठीक है ना? न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अगर कहीं पे साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? रिपल्शन रिपल्सिव उसके बीच में। फोर्स, रिपल्सन इंक्रीजेस। अब ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक साइज डिक्रीज करता है। तो अगर हमको कुछ भी नहीं आता, हम एक नंबर के गवार भी हैं, तो भी कोई भी बच्चा आंसर लिख सकता है, स्कैंडियम टू मैग्नीज साइज डिक्रीजेस बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड 4s डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। अगले तीन केस में क्या होगा? ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो नहीं होता पर बहुत ही माइनेट वेरिएबल होता है। और निकिल सबसे और लास्ट वाले दो में क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है ना? तो अगर वो पूछे कॉपर और जिंक का साइज इंक्रीज क्यों करता है, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 3D एंड 4S इंक्रीजेस। क्लियर? यस सर। अब वो पूछे कांस्टेंट क्यों रहता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस द रिपल्सिव फोर्स। अब मैं इस बात को आपको समझाता हूं। ये हमने न्यूक्लियस बना लिया, और ये 3D और ये 4S। अब 4S में पहले दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब स्कैंडियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? D में। तो इलेक्ट्रॉन ने तो एंट्री मारी D में, और उसका प्रोटॉन कहाँ चला गया? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, लेकिन इस 3D की, इस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर पुअर होती है, मतलब रिपल्सन कम करता है। तो न्यूक्लियस ने इसको अंदर खींचा, लेकिन इस डी ने इसको रिपेल नहीं कर पाया। डी इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर पाया, पर न्यूक्लियस ने अंदर खींच लिया, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब अगले वाले में फिर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर से प्रोटॉन यहां आ गया, न्यूक्लियस का चार्ज और बढ़ गया, लेकिन डी की शील्डिंग पावर पुअर होती है, ये फिर इसको इफेक्टिवली रिपेल नहीं कर पाया, तो टाइटेनियम में ये 4s और अंदर आ गया थोड़ा सा। ऐसा ही वैनेडियम में हुआ, ऐसा ही क्रोमियम में हुआ, और ऐसा ही मैग्नीज तक हुआ। क्लियर? यस सर। आप कांस्टेंट का रीजन देखेंगे, जैसे ही आयरन आया तो यहां पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग स्टार्ट होने के साथ साथ इनर इलेक्ट्रॉन में, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ गई। पहले 5 ही थे, अब कितने हो गए? 6 हो गए। यस सर, 6 हो गए। तो जब इनर 3D में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ गई, तो घिचपिच हो गई, तो रिपल्सन भी बढ़ा और साथ में अट्रैक्शन भी बढ़ा। तो रिपल्सन ने अट्रैक्शन को कैंसिल कर दिया। और क्यों रिपल्सन बढ़ा? यहां पर क्या हो गई? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। ऐसा ही कोबाल्ट में हुआ और ऐसा ही निकेल में हुआ। जितना रिपल्सिव फोर्स बढ़ा पेयरिंग से, उतना ही अट्रैक्ट, सॉरी, पेयरिंग से जितना रिपल्सिव इंक्रीज हुआ उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, दोनों ने कैंसिल आउट कर दी। लेकिन सडनली कॉपर में इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, और डी में फुल फिल्ड पेयरिंग हो गई। जब पूरी डी सबसेल फुल फिल हो गई, क्लियर, तो रिपल्सन ज्यादा बढ़ गया और अट्रैक्शन कम हो गया, तो सडनली कॉपर में 4s क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बाहर चली जाएगी। क्लियर? यस सर। और जिंक में और थोड़ी सी बाहर चली जाएगी। तो 3D सीरीज का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन हुआ? निकल। निकल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। इस बात में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर।
अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्रोमियम वाली सीरीज ले रहा हूं, ठीक है ना। क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम और मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन। तो जब हम 3D से, ये तो 3D है और ये 4D है, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मोस्टली साइज इंक्रीज करता है, तो एमओ का साइज क्रोमियम से स्लाइटली हायर होता है। लेकिन जब हम 4D से 5D में जाते हैं और टंगस्टन पे आ जाते हैं, तो इस बीच में 5F में भी फिलिंग हो जाती है और F की शील्डिंग पावर सबसे पुअर होती है। तो F की शील्डिंग पावर की वजह से टंगस्टन और मॉलिब्डेनम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। किस यस सर, टंगस्टन किस 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 का साइज इक्वल हो जाता है। और मॉलिब्डेनम। तो इस तरह यहाँ पर नायोबियम और टेंटलम का भी हो जाता है और जिरकोनियम और हैफिनियम का भी हो जाता है। और इसी तरह, ठीक है ना, मैं इधर लिखता हूँ, जिरकोनियम और हैफिनियम का भी सिमिलर हो जाता है और साथ में एजी और गोल्ड का भी हो जाता है और क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का भी इक्वल और नायोबियम और टेंटलम का भी इक्वल। तो ये चार पेयर बन गए जिनके साइज ऑलमोस्ट कैसे है, ऑलमोस्ट इक्वल, जिसमें से जिरकोनियम और हैफिनियम वाला क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं इंडिया में जिसमें नहीं आया हो कि जिरकोनियम और हैफिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज कैसा है, साइज बड़ा है। अच्छा बराबर, ऑलमोस्ट इक्वल। आजकल आजकल ये वाला सबसे ज्यादा आ रहा है यहाँ पर भैया, कॉपर नहीं AuI। तो अगर आप MCQ करना चाहते हो तो इन दोनों को तो डेफिनेटली याद रखना। और इसके अलावा पूरी किताब में ये जने हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम को भी याद रखना, ये पी ब्लॉक में आता है। तो आपके सामने टोटल कितने पेयर दिख रहे हैं, पांच तो पांच पेयर के साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब भी आपसे किसी एग्जाम में पूछेगा किस पेयर का साइज इक्वल है और अगर आपको ये पांच रटे हुए हैं, तो आप चॉइस देखोगे, आप फैक्टर नहीं लगाओगे कि किस फैक्टर का बराबर। क्लियर। यस सर। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पढ़ने, और सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसी में ज्यादा होगी कौन सी बॉन्डिंग, कौन सी, उसमें ज्यादा होगी मेटालिक बॉन्डिंग। क्लियर। यस सर। उसी में ज्यादा होगी मेटालिक बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, मैं एक यहां समझा रहा हूं, फिर ये डी है और ये एस है। तो बताओ स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक तो मैंने इसकी खोपड़ी पर लिख दिया एक। अब बताओ बेनेडिक्ट टाइटेनियम में कितने हैं। एक अरे गवारो, एक और दो एक। दो 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 तीन और वेनेडियम में कितने। तीन सडनली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है, तो कितने हो गए, अरे पांच छह। 6। और फिर देखो मैग्नीज में ये पेयरिंग हो गई तो कितने रह गए, फिर कितने होंगे, चार, फिर चार थ्री, फिर तीन टू, फिर वन और फिर जीरो। तो बताओ लीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। जिंक। जिंक में कितने, जीरो, यस सर कितने। तो जीरो। लीस्ट मेल्ट, 3D सीरीज में लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिनका लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिंक का होगा। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, मैंने यहां तो लिया मेल्टिंग पॉइंट और उधर लिया एटॉमिक नंबर। तो
यहां से शुरू करता हूं, स्कैंडियम का इससे ज्यादा होगा टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा होगा वैनेडियम, और वैनेडियम से ज्यादा होगा किसका? क्रोमियम। अब क्रोमियम से कम होगा किसका? एमएन का। एमएन का। अब बताओ एमएन के बाद आयरन का कम होना चाहिए या ज्यादा? सर कम होना चाहिए। लेकिन देखो क्या हुआ, ज्यादा हो गया ना। यस सर, एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि एमएन का कम क्यों है, या पूछेगा आयरन का ज्यादा क्यों, और फिर वही कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और सबसे कम किसका? जिंक। सर एफई का उससे ज्यादा क्यों है एमएन से? वो ही बता रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये तो 4s2 और 3d5 है, और ये 4s2 3d6 है। इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई खास बात है क्या? 3d5 नहीं होता। तो 3d5 कब नहीं होता? हमेशा होता है। और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डजंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मैग्नीज के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए एमएन का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता। अब पूरे पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका? टंगस्टन। और सबसे कम किसका? जिंक। अच्छा मर्करी। मर्करी का होता है -38°C, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। क्लियर? ओके सर। तो जिंक के मेल्टिंग पॉइंट के लो होने का रीजन क्या है? वीक मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। क्योंकि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। और सबसे ज्यादा किसका है? क्रोमियम का। तो 3D सीरीज में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन दिखाएगा? क्रोमियम। क्लियर? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। हटा दो इसे। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो। ठीक है, तो हमने ये तो दिया हटा और ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक डाल। अब ध्यान से देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर में पहली लाइन कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे। कैसी ऑक्सीडेशन नंबर? वेरिएबल मतलब मल्टीपल। दूसरी बात ध्यान से देखना, एस बोथ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। एस के कौन से इलेक्ट्रॉन? बोथ। बोथ। और डी के केवल कौन से? डी ओनली अनपेयर्ड। क्लियर है? यस सर। तो मैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूं, या इधर बना देता, इधर से अपना काम चल जाएगा। ये तो देखो डी में 5 मैंने फिलअप कर लिया, और एस तो ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो बताओ स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 1। तो ये सबसे पहले तो ये जाएंगे, तो +2 एक साथ गए, फिर ये भी चला गया तो +3। क्लियर? ठीक है सर। +3 क्यों हुआ बेटा? पहले तो ये 2 चले गए। यस सर। फिर ये वाला भी जाएगा तो 2 के बाद तो कौन सा नंबर आएगा? 3। अब टाइटेनियम में पहले तो ये 2 गए। यस सर। फिर ये जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 3। और फिर ये जाएगा तो 4। अब वैनेडियम में पहला +2 +3 +4 +5। क्लियर? यस सर।
अब देखना सडनली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन इतना हो गया, तो एस में कितने रह गए? एक तो अब एक, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव और फिर सिक्स। अब ये मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन है, तो प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स और प्लस सेवन। क्लियर? यस सर। अब देखना आयरन में इसकी पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई तो इसने पार्टिसिपेट करना भी बंद कर दिया। तो पहले तो एस वाले गए, अब बताओ कितने अनपेड और हैं? वन टू थ्री चार। तो प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स। अब देखो बताओ कोबाल्ट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों नहीं किया? पेयर बन गया है, तो अब ये कौन सी दिखाएगा? प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव। अब बताओ निकल का कोई बता सकता है क्या? प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर। जबकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अब ये हो गया है, तो कॉपर कौन सी दिखाएगा? प्लस वन। लेकिन कॉपर ध्यान से देखना, जो कॉपर की प्लस वन है वो सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही हम कॉपर को वाटर में डालते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, और कॉपर की कौन सी बन जाती है? टू। टू। आप बताओ जिंक में कितनी होगी? प्लस टू। सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? ओके। यस सर। आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक क्या हो रही है? बढ़ रही है। और फिर मैंगनीज से जिंक तक कम हो रही है। तो अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3D में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करेगा? मैंगनीज। मैग्नीज तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सेवन। अब ध्यान से देखना स्कैंडियम की थ्री स्टेबल होती है, इसके फोर और इसके फाइव। क्रोमियम की कौन सी? थ्री। मैग्नीज की कौन सी? टू। आयरन की थ्री और इसकी थ्री। सर आयरन निकल की फोर दोनों शो करता है ना? नहीं, बस थ्री दिखाता है, स्टेबल थ्री दिखाता है। ओके सर। और जिंक की तो एक ही है, तो वो स्टेबल होगी। इनको सर्किल मार लो। ठीक है। यस सर। तो ये इनकी स्टेबल है, और ये क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट की आपको याद कर लो तो बहुत फायदा मिलेगा एमसीक्यू में। देखना पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एमएन प्लस थ्री है और इसका कॉन्फ़िगरेशन D4 है, और क्रोमियम प्लस टू है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन D4 है, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सेम सेम है, पर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वाला ये रिड्यूसिंग है, तो बताओ ऐसा क्यों है? अब ध्यान से देखना, अब बच्चे ने घर से याद कर लिया मैग्नीज की कौन सी स्टेबल है, प्लस टू। तो टू में जाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है वो कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। और क्रोमियम स्टेबल में जाने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना, आयरन प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन है D5। क्लियर? यस सर। एमएन प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन है D5। जिंक प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन है D10। और स्कैंडियम प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन है P6। इनमें कोई खास बात है क्या?
डी ब्लॉक एलिमेंट सर। ये सारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो कैसा होता है? स्टेबल। क्लियर? यस सर। अब हम आज की लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन हर एमसीक्यू और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहा है। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश कर। जिंक प्लस टू जिंक में बदला और इसकी वैल्यू -76 वोल्ट है, और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? अब ध्यान से सुनना। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्टेंट स्टेबल हो, ओके सर। क्लियर? और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन स्टेबल होगा? तो प्रोडक्ट स्टेबल। अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, और नेगेटिव है तो। रिएक्टेंट आजकल ये सबसे हॉट कंसेप्ट है। ये डी ब्लॉक में भी आता है, ये कोऑर्डिनेशन में भी यूज होता है, और इलेक्ट्रो का तो टॉपिक ही। क्लियर? यस सर। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? कल की क्लास का टाइम कितने बजे रख दें? सर कल एग्जाम है साढ़े अच्छा, कल सात। एनडीए का एग्जाम। यस सर, साढ़े ओके, चार तो बजे होगा। ठीक फिर 7 o'clock ही देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो कल 7 o'clock, ठीक है? है सर। ठीक है सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।